बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमिला हसन। और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके आज का दिन भी अच्छा हुआ है, दिन का आगाज अच्छा हुआ है, और इसके साथ अगले कुछ लम्हे जो हमारे साथ आप गुजारने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से गुजरेंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कहना, कल के शो के लिए बहुत ज़बरदस्त फीडबैक देने का और उसको पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर मुझे ज़ाती तौर पर तारक साहब के लिए इतने ज़्यादा मैसेज मौसूल हुए, शुक्रिया के हमारा आदाब पहुंचा दें। ओपनिंग उन्होंने की, लोगों ने सबसे ज्यादा हमारे सोशल मीडिया पे, मैं कमेंट्स पढ़ी थी, पहली ऐसी पोस्ट थी जिसमें मैं सोशल मीडिया के सारे कमेंट्स पढ़ी थी, और लोगों को यही एक्साइटमेंट थी कि इतने अरसे के बाद तारक साहब ने जो कहले एक मॉर्निंग शो का आगाज किया, और बिल्कुल वैसा ही किया जैसे वो पहले जैसे वो करते थे। तो आप सबके हम कोशिश करेंगे, जिन लोगों के बराह रास्त याद रह जाए वो भी पहुंचा दें, लेकिन हम स्क्रीन के जरिए आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और आपका जितना भी सलाम प्यार आदाब है वो तारक साहब तक पहुंचा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द लव दैट यू हैव गिवन अस इन एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हुए जी, बात करनी हमने कुछ कोविड के हवाले से। आपको मालूम है इस वक्त भी कराची के अंदर और दीगर शहरों के अंदर सूरत हाल कतई तौर पर ठीक नहीं है, और हम एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर हुकूमत इन्फोर्स करे या ना करे, आप अपने ऊपर एक सेल्फ आइसोलेशन टाइप की चीज़ या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ जरूर इन्फोर्स करके रखें, गैर जरूरी बाहर मत। एसओपीज पे खुद अमल दरामद करें, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको किसी जो कहने धमकी से डराए धमकाए तभी आपने एसओपीज को फॉलो करना है। एज ए नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिन जो है वो नॉर्मल जिंदगी हम गुजार सकें, ट्रेवल कर सकें, अपना खुल के लोगों से मिल सकें, तो अभी एहतियात करना बहुत जरूरी है। कोविड के हवाले से, वजीर आजम के दौरे कराची के हवाले से, और बहुत सारे सेगमेंट्स से, इन सब के हवाले से बात होगी, लेकिन आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। 11 माह में वजीर आजम इमरान खान का पहला दौरा कराची, मंसूबों का जायजा लिया, शहर को साफ और वाफर पानी की फराहमी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। ओपोजिशन संजीदा कोशिश करे तो इमरान हुकूमत कल गिर जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, हुकूमत गैर मुस्तहकम है। मुल्क भर में भारतीय वायरस के हमले बरकरार, कराची समेत कई शहरों में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां सख्त। पाकिस्तान के फोटोग्राफर्स कैसे पाकिस्तान के सफीर हैं, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी, शाही किला में मौजूद शीश महल की अकास, हवेली मियां सुल्तान के शीश महल की। और तालीम, हमारे पांव उल्टे थे पर देखिए खुसूसी डॉक्यूमेंट्री।